में चाहिए होगी। हाँ जरूर। अच्छा ये जो है पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, जो लोग पहले यहाँ पे होंगे उन्होंने अटेंड किया होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें एक तो देखने की बात यह है कि ये हम क्यों लॉन्ग केस की तरह कर रहे हैं, इसलिए कि लॉन्ग केस का पैटर्न चेंज हो गया है। वहाँ पर पहले पेशेंट आता था, अब पेशेंट नहीं आता है, पेपर पेशेंट होता है। पेपर पेशेंट का मतलब ये कि एक उन्होंने कोई पोर्टर वोटर बैठाया हुआ होता है, उसको 5-7 सवाल हटा देते हैं ये पूछना, और हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं अगर वो थोड़ी सी कुछ गड़बड़ करते हैं तो। और बाकी उसकी सारी फाइंडिंग, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट सब एक पेपर पे हमारे पास रखा हुआ होता है, तो वो आपके मांगने पे हम आपको देते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि उस पेशेंट में मुझे ईसीजी ज़रूर चाहिए, तो आप बोलिए ईसीजी चाहिए, मेरे पास होगी ईसीजी, तो आप दें। अगर आप समझ रहे हैं कि इसमें एको के बगैर काम नहीं चलेगा, तो आप मांगिए एको, एको की रिपोर्ट भी मेरे पास होगी, लेकिन आपके मांगे बगैर हम नहीं देंगे, ठीक है। तो और वो सब नंबर होते हैं कि इस पेशेंट को बगैर एको के कैसे करा दिया, या इस पेशेंट को बगैर उसके कैसे करा दिया, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लॉन्ग केस की तरफ बनाया है। अब जब एग्जामिनेशन बता रहे होंगे तो उसके बाद बताएंगे आगे क्या करना है। अच्छा इसमें दो केस हमने रख दिए हैं, एक जो है वो हाइपरथायरायडिज्म का है, एक हाइपोथायरायडिज्म का है। 40-year-old मैन प्रेजेंटेड विद डिफ्यूज नेक स्वेलिंग, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस वॉज डिस्निया। देखो डिस्निया हर चीज़ की एक सिग्निफिकेंस है, डिस्निया, डिस्फेजिया, वेट लॉस, प्रोक्सिमल पैल्पिटेशन एंड हीट इंटॉलरेंस, एंड बीपी वाज 160/110 और हार्ट रेट 120। तो ये क्या लग रहा है? हाइपरथायरायडिज्म, ठीक है। अच्छा, हाइपरथायरायडिज्म की जो होता है, जो गॉइटर होता है, वो ऐसा नोड्यूलर वोड्यूलर नहीं होता है, ये डिफ्यूज़ होता है ज़्यादातर। तो इसमें डिफ्यूज़ नेक स्वेलिंग है और इसमें टेकीकार्डिया हुआ हुआ है ना, तो ये चीज़ें हाइपरथायरायडिज्म में सब जाती हैं। दूसरा है 55-year-old वुमेन प्रेजेंटेड विद डिफ्यूज नेक स्वेलिंग, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस वॉज लेथार्जी, लॉस ऑफ एपिटाइट, इंक्रीज बॉडी वेट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है। तो ये हाइपोथायरायडिज्म की तरफ चला गया। तो इस तरह का शायद लिखा हुआ मिले या मिल जाए कि एक पेशेंट है और उसकी आप हिस्ट्री लीजिए, एग्जामिन कीजिए, तो वो ये बातें बताएगा। अगर हम हाइपोथायरायडिज्म की तरफ ले जा रहे हो तो वो बताएगा, नहीं तो वाली बातें बताएगा। अच्छा जब जब डिस्कस करना होता है तो सिनेरियोज हमारे पास जो होते हैं वो ये 3-4 होते हैं, या हाइपोथायरायडिज्म डिस्कस कर लेंगे या हाइपर कर लेंगे। लॉन्ग केस में हम दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता है। अब बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होने लगा है कि आप ये सवाल ही पूछिएगा, लेकिन फिर भी कुछ एग्जामिनर ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो उनको कोई ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है, कोई और कोई वो इररेलीवेंट बात नहीं पूछते हैं, रेलिवेंट ही बात होती है। दूसरे लार्ज ग्वाइटर के हवाले से बात हो सकती है, लार्ज ग्वाइटर के अपने इश्यूज़ होते हैं। हाइपो हाइपरथायरायडिज्म अगर ना भी हो, अगर सिर्फ लार्ज ग्वाइटर है तो उसके अपने इश्यूज़ होंगे। और पोस्ट थायरेक्टोमी ब्लीडिंग, ये सवाल आ सकता है लॉन्ग केस में भी या वाइवा में भी हो सकता है, कि पाकू के हवाले से हमें पाकू के भी कुछ क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो उसमें पोस्ट थायरेक्टोमी ब्लीडिंग पे पूरा क्वेश्चन होगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। अब इसकी जो अगर जैसे हमने पहला केस था थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस अगर हो रहा है तो उसमें उसकी डीडी तो चाहिए होगी ना, डीडी तो चाहिए होगी, हर चीज़ की एक डीडी चाहिए होगी कि भाई थायरोटॉक्सिस आपने एकदम से कैसे बोल दिया, क्योंकि आज लिखा हुआ था कि डॉक्टर सफिया ये पढ़ाएंगी इसलिए थायरोटॉक्सिकोसिस होगा, ऐसा नहीं। जब लॉन्ग केस मिल रहा होगा तो ये 2-3 सिम्टम के साथ डीडी में आएगा, फियोकोमोसाइटोमा, कार्सिनाइड और कार्सिनोमा, क्रॉनिक इन्फेक्शन, एंगजाइटी, एग्जर्शन, हीट स्ट्रोक वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको उन 3-4 सिम्टम के साथ, के हीट इंटॉलरेंस है उसको, टैकीकार्डिया उसको चल रहा है, एंग्जाइटी है, तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी। अच्छा अगला सवाल, फिर सवालात शुरू हो जाते हैं। जैसे ही लॉन्ग केस आपने सुना दिया, आपको टाइम देते हैं, आप लॉन्ग केस देख लें, उसके बाद कहते हैं डिस्क्राइब योर केस, तो आप बताते हैं माय पेशेंट नेम फलाना फलाना, ये वो इतना एज फलाना, और एडमिटेड विद हिस्ट्री ऑफ फलाना फलाना। अब जहाँ पे हमें रोकना होगा हम रोक देंगे और उससे फिर क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो अगर ये पेशेंट जो है वो हाइपरथायरायडिज्म का है, तो हम कह देंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरथायरायडिज्म। अब बिल्कुल ये बुकिश चल रहे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन उसमें जहाँ से हमें एंगल निकालना होता है कि अब इधर से पूछना है, तो क्वेश्चन आगे से उसी के होते हैं। तो कॉजेज क्या है हाइपरथायरायडिज्म के, अगर इसको हैं सामने सारे लिखे हुए हैं, देख के जल्दी जल्दी पढ़ दो, सब पता चल जाएगा। ग्रेव्स डिजीज हैं, थायराइडाइटिस है, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर, टॉक्सिक सोलिटरी नोड्यूल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हाइपरथायरायडिज्म में आती हैं। तो ज़्यादातर लोग ग्रेव्स डिजीज़ बोल के बस चुप, ग्रेव्स डिजीज़ बोल के बस चुप, तो ग्रेव्स डिजीज़ के अलावा भी कुछ होता है, तो
तो वो भी तीन चार बातें, आप पार्ट टू देने जा रहे हैं या एमसीपीएस भी देने जा रहे हैं, तो आपको ये तीन चार बातें, पांच बातें रटी हुई होनी चाहिए। अब हाइपोथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म के कॉज भी फिर पता होने चाहिए क्या है। इसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ में हाइमोथायरायडाइटिस, हाइपोथायरायडिज्म ज़्यादा हम देखते हैं या हाइपोथायरायडिज्म ज़्यादा देखते हैं, हैं हाइपो ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, हाइपो ज़्यादा देखते हैं तो वो फिर कौन से ट्रीटमेंट पे होगा? थायरोक्सिन पे होगा। तो जब हाइपोथायरायडिज्म का अगर केस होगा, अगर आपको लग रहा है क्लिनिकल सिनेरियो वो दे दिया या मरीज को ये बोल दिया डल्स है, तो फिर आपको जब हिस्ट्री लेंगे तो वो पेशेंट तो बोल देगा नीली गोली खाते हैं या पीली गोली खाते हैं या लाल, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथायरायडिज्म की तरफ जा रहा है। तो अभी मुझसे वाइवा में पूछने वाले हैं क्या 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 ट्रीटमेंट ले रहा होगा ये, है ना। पेशेंट तो नीली पीली लाल गोली बोल देगा, लेकिन आपको ट्रीटमेंट पूरा पता होना चाहिए, भी आगे देख लेते हैं वो। या पेशेंट रेडियो एक्टिव आयोडीन ले रहा होगा, या ये कि एंटी थायराइड मेडिकेशन, उसकी वजह से इसको हाइपोथायरायडिज्म हो गया होगा, आयोडीन डेफिशिएंसी। अब बनता कैसे, अगला सवाल अब आ जाएंगे इसकी फिजियोलॉजी और इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे बनता है, इसको मैं गुम कैसे करूँ, कौन सा बटन होता है इससे गुम हो जाता है, कैसे बनता है भाई T3 T4 कैसे बनता है, बताओ कौन बोलेगा, बोलो कोई भी बोलो, हैं कोई नहीं बोल रहा, बताओ तुम बताओ, सबको जवाब दे रहे थे आज, तुम बताओ। हाँ, डाइट में आयोडीन जाता है, फिर क्या हुआ, हाँ हाँ, फिर थायरोग्लोबुलिन, उसके बाद देखो डाइट में हम लोग खा पी लेते हैं, आयोडीन हमारे साथ डाइट में चला गया, डाइट में चला गया तो क्या हुआ, गट से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गया। अब ब्लड से इसको जाना है यहाँ थायराइड ग्लैंड में जाना है, और वहाँ से इसको T3 T4 बन के निकलना है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे बनेगा, ये इसका है, कौन सा है भाई रेड बटन, कौन सा है ये वाला, ये यहाँ से आयोडीन ब्लड से ये आगे थायराइड फॉलिकल है ये, ठीक है। इसको अगर ये देखें तो ये इसकी वॉल है, इसमें ये फॉलिकुलर सेल है, ये इसमें आयोडीन एंटर हुआ, एंटर होने के बाद यहाँ से ये यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स बन रहे हैं, और ये यहाँ पर आकर के ये एक्टिव प्रोसेस होता है और ये पैसिव है, यहाँ से आकर के ऑक्सीडेशन होती है इसकी, आयोडिनेशन होती है, कॉन्जुगेशन होती है, और फिर वापस इसमें एंटर होकर दोबारा से यहाँ से ब्लड में आता है। तो जब ब्लड में यहाँ पर एंटर हो रहा होता है तो ये होता है T3 बन चुका होता है, T3 T4। अब इसमें एक्टिव कौन सा होता है और कौन सा नॉन एक्टिव होता है देखते हैं, लेकिन ये इसका बनने का तरीका है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये साइकिल पूछी जाती है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हमने यहाँ लिख दी थी, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि डाइट में आया, आयोडिनेशन हुई, और उसके बाद यहाँ कपलिंग होकर आयोडिनेशन T3 T4 बन के वहाँ से निकल आया वापस। अच्छा, ये जो 90% जो होता है T4 इनएक्टिव होता है, T3 एक्टिव होता है, 10% जब यहाँ से निकलता है पेरिफ्री में T4 T3 में कन्वर्ट होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम दे रहे होते हैं प्रोपेनॉल तो फिर वो कहाँ पे काम करता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। अब ये एक फीडबैक मैकेनिज़्म है इसका, तो ये मैकेनिज़्म भी पूरा पता होना चाहिए कि मैकेनिज़्म में कहाँ से शुरू हुई, कहानी कहाँ से शुरू होती है, हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज़ होता है जो कि आता है एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ से TSH रिलीज़ होता है जो यहाँ आता है, यहाँ से T3 T4, और फीडबैक यहाँ से जाता है ताकि फिर कितना यहाँ से TSH रिलीज़ हो, ये यहाँ से जाता है। अब T3 T4 करता है क्या है कि बॉडी के डिफरेंट सिस्टम में बहुत सारे काम करता है, कौन से सिस्टम में काम करता है, सारे सेल पे काम करता है, इसीलिए ये एक मैंडेटरी हार्मोन है जो कि हो, अगर किसी में नहीं है थायराइड ग्लैंड पूरा निकाल दिया किसी वजह से और उसको T3 T4 हम थायरोक्सिन नहीं दे रहे हैं तो वो मर जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो इसका ईच एंड एवरी सेल पे इसका काम है, फौरन नहीं मर जाएगा लेकिन ये वो मर जाएगा। करता है कैसे, काम कैसे करता है ये ये इसका मैकेनिज्म है। T3 बाइंड्स विद द DNA डोमेन नेम थायरॉयड रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये दो तीन जुमले हैं, इसको रट लो, मैंने रटा हुआ नहीं है, देख के पढ़ लें, तुम लोग इसको याद कर लो कि किस तरह से ये FCPS पे तो पूछा जाएगा कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब ये बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर ये काम करता है। इसमें अगर देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड से यहाँ से रिलीज़ हुआ तो ब्रेन में इसका काम है, अगर नहीं होगा तो डिप्रेशन, डिक्रीज कंसंट्रेशन, फलाना फलाना, हार्ट पे इसका काम है, किडनी पे इसका काम है, जेनाइटल ट्रैक पे हाइपो, इसमें इनफर्टिलिटी मुश्किल हो जाती है, और GI पे काम करता है, लीवर पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि सारे ये ज़रूरी वाले ऑर्गन है जिस पे थायराइड हार्मोन का होना ज़रूरी है,
तो ये हमें चाहिए ही चाहिए होगा हर हाल में। अब अगला सवाल होगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ये क्यों पूछते हैं? ये इसलिए पूछते हैं कि जब जब वहाँ पर सर्जरी कर रहे होंगे, इतना बड़ा गॉइटर होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या चीज़ें हैं। जब आसपास चीज़ें हैं तो डैमेज भी वही चीज़ें होंगी, जब वही चीज़ें डैमेज होंगी तो उसी की कॉम्प्लिकेशन होगी। तो आपको एनाटॉमी का पक्का पता होना चाहिए। एनाटॉमी में थायराइड का एंटीरियर क्या है? इसमें बना हुआ नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं क्या एंटीरियर प्लेटिस्मा होता है, और वो मसल्स होती हैं जिसको ये रिट्रैक्ट करते हैं और थायराइड को डिलीवर कराते हैं। पोस्टीरियर क्या होता है? ट्रेकिया। सेंटर में ट्रेकिया है। देखो ये इसके सेंटर में इस्थिमस के पीछे तो ट्रेकिया है, इसके पीछे भी ट्रेकिया, और ये साइड के पीछे जो है, यहाँ पीछे नर्व्स है, नर्व्स और वेसल्स हैं। इस पार्ट के पीछे जो है नर्व्स हैं, ठीक है, इस पार्ट के पीछे। लेटरल क्या है? ग्रेट वेसल्स। ये जो बड़ी बड़ी वेसल्स नज़र आ रही हैं, ये ग्रेट वेसल्स हैं। और अगर थायराइड इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ से आकर के यहाँ आकर रिट्रोस्टर्नल घुस गया है, तो ये वेसल्स भी याद रखिए। अगर इतना बड़ा है कि रिट्रोस्टर्नल भी घुसा हुआ है, तो ये से याद रखिए, ठीक है। तो डिस्फेजिया क्यों होता है? डिस्निया तो समझ में आ रहा है, कितना बड़ा हो गया, उसने ट्रेकिया को दबा दिया, तो वो तो ट्रेकिया को दबाएगा, इसोफेगस को भी दबाए, अब वो उसको भी पुश कर रहा होता है। तो डिस्फेजिया ज़्यादातर उस वक्त होता है जब ग्लैंड बहुत बड़ा हो। छोटे मोटे ग्लैंड में डिस्फेजिया नहीं होता। जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, मैकेनिकल इफेक्ट है ना, वैसे वैसे इधर उधर अराउंड प्रेशर आता जाएगा उसका। अच्छा, अब क्या है? एनाटॉमिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड, ये हम लोगों ने अभी बात कर ली। ज़्यादातर इसमें कंप्रेशन ऑन ट्रेकिया लीड्स टू नैरोइंग एंड डेविएशन। तो ये नैरोइंग एंड डेविएशन दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नैरोइंग की वजह से आपको ट्यूब का साइज डिसाइड करना पड़ेगा, और डेविएशन की वजह से डिफिकल्ट ड्यूबेशन हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बताना भी है। कंप्रेशन और इसोफेगस लीड्स टू डिस्फेजिया, जाहिर है जब इतना बड़ा अगर हो गया तो पीछे करेगा, और इस पेशेंट जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था उसमें डिस्फेजिया हो रहा था। ट्रेकियल इन्वेजन में लीड्स टू इंट्रा ट्रेकियल हेमरेज इन केस ऑफ कार्सिनोमा, बिल्कुल इसके पीछे ट्रेकिया पड़ा हुआ है, और ये हम देख चुके हैं केस इस तरह का कि वो निकालते गए, वो कार्सिनोमा था और ट्रेकिया से ब्लीड शुरू हो गया, ट्यूब डली हुई थी उसमें से ब्लीडिंग आने लगी। तो हमने कहा आपने क्या ट्रेकिया में घुस गए, क्या हो गया? कहेंगे वो इतना इन्वेजन हुआ था, वो निकालते निकालते ट्रेकिया में सुराख हो गया, तो वो इंट्यूबेशन रहा, देर तक रही, और फिर जो मसले हुए बात हुई। लेकिन ये कि ये हो सकता है, अगर कार्सिनोमा है तो अंदर जा सकता है, इन्वेट कर जाएगा, इन्वेट कर सकता है ना, कर सकता है। और आपने निकालते निकालते वहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई, बाद में भी पेशेंट को खांसी में आ सकती है ब्लीडिंग, ठीक है। प्रेशर ऑन सुपीरियर वेना केवा मे लीड टू सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, वही जब अगर नीचे तक चला गया है थोड़ा तो वो हो सकता है। इंट्राथोरेसिक रिट्रोस्टर्नल गॉइटर मे लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी सेकेंडरी टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस। अब नर्व सप्लाई का टोक्स का भी सवाल है, वाइवा का भी सवाल है, और ये तो उसमें थ्योरी में भी आता ही है, उसमें भी नर्व सप्लाई वो MCQ BCQ जो बना के देते हैं। अब इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप याद कर लीजिए वेगस नर्व, लेकिन वेगस नर्व कह के जान नहीं छूटेगी। वेगस नर्व की ब्रांच होती है, ब्रांच कैसे होती है? ये वेगस नर्व है, वेगस नर्व नीचे आकर के ये पूरी, और फिर जब प्लट की जो जाती है वो रिकरेंट लैरिंजियल बन गई, और बाकी इसकी सप्लाई जो निकली है वो इससे निकली है, ठीक है। अब ये कि कौन क्या सप्लाई करता है, ये भी रटने वाली बात है। एक मोटर सप्लाई होगी, एक सेंसरी सप्लाई होगी, ख़त्म। याद रखने के लिए आसान कर रहे हैं। मोटर जो है इसकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से होती है, ठीक है, एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड की सप्लाई सुपीरियर लैरिंजियल नर्व से, बस ये इतना याद रखना है। अब क्रिकोथायराइड और इसमें दोनों में काम का क्या काम है, जब इनका काम हमें समझ में आएगा तो फिर इनकी सप्लाई की जो इम्प्लीकेशन पूछते हैं ना कि अगर यूनिलैटरल डैमेज हो गया तो क्या होगा, बायलैटरल डैमेज हो गया तो क्या होगा, उससे समझ में आ जाएगा। देखो जो एबडक्टर्स हैं वो सारे के सारे रिकरेंट से सप्लाई होते हैं, ठीक है। एबडक्टर का मतलब है अवे फ्रॉम बॉडी, है ना, यूं वाला, यानी कि कॉर्ड जो यूं खोल रहे हैं और ब्रीद इन के लिए आसानी कर रहा है, ठीक है, ये वाले हो गए। और जो दूसरे वाले हैं ये वाले एडक्टर जो हैं वो होते हैं सुपीरियर लैरिंजियल नर्व से, यानी कि जो कॉर्ड को बंद करेंगे। तो अब यहीं पे अगर हम इसको क्लिनिकल समझ लें, आगे हमने उसे लिखा हुआ है कि अगर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व गई, इसका मतलब ये कि कॉर्ड्स बंद नहीं होंगी, इसका मतलब ये कि जब पेशेंट पानी पी रहा होगा तो खांसी आएगी उसको, है ना,
सब कुछ कॉर्ड्स खुले हुए हैं। अभी तो हम लोग पानी पीते हैं, हमारे कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, हम पानी पी लेते हैं, उस वक्त कॉर्ड्स बंद नहीं हो सकेंगे। तो जब पानी पी जाओ तो खांसी शुरू हो जाएंगी उसको, कोई थोड़ा थोड़ा कतरा पानी का वहाँ जाने लगेगा। और अगर ये नव अगर ये वाला ये अगर डैमेज हो गया रिकरेंट लेनिंजियल तो क्या होगा, एबडक्टर्स ख़त्म हो गए तो क्या होगा, तो ये सुपरसीड करेगा तो वो बंद हो जाएगा। अगर बाइलेटरल हो गया तो स्ट्राइडर होगा, यूनिलेटरल होगा तो एक तरफ से वो कंपनसेट कर लेगा, है ना? आसान है ना, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बड़ी हो जाती है। यूनिलेटरल होगा तो ये होगा, बाइलेटरल होगा तो, अगर इस तरह याद रख लो, इस तरह याद रख लो कि सबको वो सप्लाई कर रहे हैं जो एबडक्टर्स हैं, तो जब खुल गया तो खुल गया, सांस तो लेगा, लेकिन अगर दोनों तरफ पैरालाइज हो गया तो वो बंद हो जाएगा क्योंकि इसने सुपरसीड कर लिया है, तो इसीलिए स्ट्राइडर हो जाता है। जब पेशेंट का जब कभी रिकवरी में देखते हैं अगर बहुत ही एग्रेसिव सर्जरी हुई, ये हुआ स्ट्राइडर, क्योंकि बंद हो गया है कॉर्ड, दोनों बंद है, वो सांस ले रहा है करके उसकी सांस आ रही है ना, ये होता है। अच्छा, आप सेंसरी सप्लाई, ये तो हो गई मोटर की बात, ये मोटर की बात हो गई। सेंसरी सप्लाई जो अबव कॉर्ड्स और ब्लो कॉर्ड्स की बात हो, बस इंटरनल लेनिंजियल नर्व अबव कॉर्ड और फिर नीचे रिकरेंट लेनिंजियल नर्व, सिंपल। ये तुम लोग अगर खुद से बना लो दो तीन दफ़ा तो पक्का याद हो जाएगा। ये यही सारी चीज़ें जो अभी हमने ज़बानी बता दी, ज़बानी इसलिए बता दी कि तस्वीर सामने थी तो देख के समझना आसान होता, इसमें अगर आप बताएंगे तो फिर कन्फ्यूजन नहीं हो, समझ में आ गया है ना, मूवमेंट्स अगर याद करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, अब यही था, देखो बायलैटरल अगर रिकरेंट लेनिंजियल नर्व चली गई है तो फिर क्या होगा, डिस्निया स्ट्राइडर, क्योंकि सुपरसीड इसने कर लिया है, उसने बंद कर दिया कॉर्ड को। अब ये सेंस इसकी है सुपीरियर लेनिंजियल नर्व की, इसमें यूनिलैटरल और बायलैटरल। अब ये सिम्टम्स हैं, ये तस्वीर इसलिए डाली है कि देख के भी इंसान को एकदम से उस वक्त याद आ जाता है कि यही कुछ हो रहा था। इतने सारे सिम्टम हैं जो अराउंड लिखे हुए हैं इसमें, ये कि पेशेंट को ये हीट ऑन टॉलरेंस हो रही है, बल्जिंग आइज है, फेशियल फ्लशिंग है, लार्ज थायराइड है, ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है, फलाना फलाना से डायरिया, ट्रेमर्स, फिंगर क्लबिंग, ये सारे हाइपरथायरॉइडिज्म की निशानी है। हाइपरथायरॉइडिज्म, हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जो लगता हो हाइपरथायरॉइडिज्म मेरे अलावा? जो हर वक्त एक्टिव, ये कर लो वो कर लो ये कर लो ये नहीं है, हैं कोई नहीं, बाकी सब हाइपोथायराइड है, ज़्यादातर हाइपोथायराइड है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ना ये होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, बीच में एक होना चाहिए जिसको सारे काम वक्त पे टाइम पे होता रहे सारा। अब ये हाइपोथायराइडिज्म वाले, इनको अब सब चीज़ उसकी उल्टी कर दें, इनको सर्दी ज़्यादा लग रही है, इनको बैठे हुए हैं, लेजीनेस है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा है, समझ गए, ड्राई स्किन है, हेयर लॉस है, ड्राई स्किन हेयर लॉस भी हो जाएगा इसलिए ज़रा ख्याल रखो, मसल एक्स वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, मेस्ट्रल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें। पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि ये देख के कुछ याद रहे उस वक्त, एकदम से चार इसमें से चार पाँच बातें भी बता देते हैं तो काम चल जाता है। अब ये कि पेशेंट को एग्जामिन करना होगा, एग्जामिन करना होगा, पेशेंट वहाँ बैठा हुआ होगा तो हो सकता है उसका थायराइड नहीं हो, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नेक हो जैसे एक होती है, लेकिन आपको क्लिनिकली इसको एग्जामिन करने का पूरा तरीका आना चाहिए। तो क्लिनिकली जब एग्जामिन करते हैं तो एक तो इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, वो तो एक हमारा हिसाब किताब है, वो करेंगे। विजिबल स्वेलिंग नेक पर आपको नज़र आ जाए तो आप उसकी तो जाहिर नहीं होगी तो आप बोल दीजिए नहीं है स्वेलिंग, सामने मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। हो सकता है कोई वहाँ थायराइड वाला घूम रहा हो उसी को बैठा दें तो फिर बताइएगा कि विजिबल स्वेलिंग नज़र आ रही है वहाँ पर। उसके बाद पल्सेशन देखेंगे जो सामने से नज़र भी आ रही है, बाद में हम हाथ रख के भी फील करेंगे उसको। कोई पिगमेंटेशन हो, पिगमेंटेशन क्यों देखते हैं? तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो सकती है, एक तो ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि तुम लोग देखोगे कि यहाँ पर वो कुछ निशान होते हैं लीचेस के और पिगमेंट्स के, ये बताते ये हैं कि ये बहुत दिन से क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है। ये लोग जाके डिफरेंट लोगों से इलाज कराते हैं जो कि वहाँ पर पिगमेंट डालते हैं और लीचेस लगाते हैं, उनका ख्याल होता है लीचेस लगा के वो खून चूस लेगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत ही एक ये है, ये लोग करते हैं, ये देखो यहाँ निशान होता है, कुछ अजीब अजीब से निशान होते हैं,
तो ये देखना चाहिए, इसका मतलब ये कि ये पुरानी डिजीज़ चल रही है इनकी, ये आज की कल की नहीं है, ये पुरानी डिजीज़ है, तो इसका लंबा ही मसला है। जब होगा हाँ, मुझे मुझे भी ये वाला इस वजह से पिगमेंट्स आ जाते हैं, तो पिगमेंटेशन सिर्फ यहाँ होगी या पूरी होगी? फिर तो पूरी बॉडी में होगी ना। रीट्रो एक्सटर्नल क्वार्टर ऐसे देखने में नज़र आएगा इंस्पेक्शन में? इंस्पेक्शन में नज़र नहीं आता, इसके लिए खास तरीके से अंदर देखना पड़ता है। मोबिलिटी मोबिलिटी ऑफ स्वेलिंग एंड थायराइड ब्रू, ये अब जब इंस्पेक्शन हो गया उसके बाद इसकी पल्पेशन शुरू होगी। पल्पेशन के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, पीछे जाके पेशेंट के पीछे से खड़े हो गए, आप दोनों हाथ करके देखेंगे। और इसमें जो डिफरेंट हमें तस्वीरें डाली हैं नेट से ही निकाली गई हैं सारी। अब देखो इसको बोलेंगे हम डिफ्यूज़ क्वार्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे मल्टी नोडुलर, ठीक है, इसको बोलेंगे सॉलिटरी नोड्यूल, और इसको बोलेंगे मल्टी नोडुलर ह्यूज क्वार्टर, ठीक है, ये भी डिफ्यूज़ क्वार्टर है। तो अब जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म बात हो रही थी, ज़्यादातर ये वाले होते हैं। अब ये वाले होते हैं, ये ना हाइपो होते हैं ना हाइपर होते हैं, क्योंकि अगर ये हाइपो या हाइपर होते तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, इससे पहले इनका कुछ ना कोई इलाज हो चुका होता। ये सिर्फ ये कि बढ़ते चले जा रहे हैं, जब इनको मैकेनिकल प्रॉब्लम शुरू हुई तो ये उठ के अस्पताल आए। इसके अपने इश्यूज़ अलग हैं, ठीक है। इन पेशेंट को जब हम थायराइड की सर्जरी करा रहे होते हैं तो ये थायराइड क्राइसिस वाइसिस में नहीं जाते, ये उनकी होती है ब्लीडिंग एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की प्रॉब्लम या ट्रेकिया की ट्रॉमा, ट्रेकियोमलेशिया, इनकी ये इश्यूज़ होंगे इनके, और इनके होंगे हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। अब ये पीछे से इसको एग्जामिन करने का तरीका है, हमेशा पीछे से जाके इंस्पेक्शन सामने से होगा, फिर पल्पेशन पीछे से होगा। इसमें ये कि ये ट्रेकियल रिंग नज़र आ रही है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि ये ट्रेकियल रिंग, ये थायराइड ग्लैंड है, सॉरी थायराइड कार्टिलेज है, इसके नीचे आपको यहाँ देखना होगा ये सारी उंगलियों से करके, ठीक है, पीछे से एग्जामिन करना है इसको। अब इनका टेस्ट पूछा जाएगा कि आप इनको टेस्ट क्या कराइएगा, तो टेस्ट तो एक तो बेसलाइन सारे टेस्ट होते हैं, वो तो कराने ही पड़ेगा, चाहे हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपरथायराइड हो। इसके बाद इसका बेसलाइन के बाद इस पेशेंट का T3 T4 TSH ज़रूर कराना होगा, कि जिसका थायराइड डिजीज़ हम कर रहे हैं, हो सकता है इसको थायराइड डिजीज़ हो लेकिन वो आया हो लेप्रोटॉमी के लिए, है ना, तो फिर भी आपको कराना है T3 T4 TSH इनका कराना है। और अगर इसी के लिए आया है फिर तो ज़रूरी कराना है, थायराइड स्कैन कराना है, ECG तीनों करा लेते हैं। अच्छा, ECG कराएंगे, ECG में क्या मिल सकता है? हाँ, एटीएल 50 इंच में, ठीक है। एक्सरे कराएंगे, एक्सरे नेक का कराएंगे, AP एंड लेटरल व्यू और थ्रेसिक इनलेट और चेस्ट। AP और लेटरल व्यू क्यों कराएंगे? नहीं, पहले AP क्यों कराएंगे? ये चेस्ट की बात हो रही है, अच्छा सॉरी नेक की बात हो रही है, नेक में एपी क्यों कराएंगे? आपको ट्रेकिया पता है तो चले, सामने ट्रेकिया है, उसमें हवा जा रही है आ रही है। लेटरल व्यू क्यों कराएंगे? उसकी डेविएशन देखने के लिए, जब लेटरल देखेंगे तो पता चलेगा ना कि ट्रेक, हाँ, तो डेविएशन आपको सामने से भी नज़र आएगी, AP में भी और लेटरल में भी नज़र आएगी। लेटरल में आपको दोनों में ये भी नज़र आएगा कि कितना कंप्रेस हुआ हुआ है, क्योंकि जो हवा अभी आगे वो तस्वीर है दिखाते हैं। और थोड़ा सी किलनेट का क्यों कराते हैं? रिट्रो स्टर्नल देखने के लिए, तो वो तिरछा एक्सरे होता है, वो बताता है कि स्टर्नम के पीछे कहाँ तक वो है। और चेस्ट तो कराएंगे ही, चेस्ट क्यों कराएंगे? अगर कार्सिनोमा है, वरना अगर कार्सिनोमा नहीं है फिर इन्फेक्शन कहाँ से आ गया भैया? भी थायराइड में हार्ट का साइज़ देखने के लिए, हार्ट का साइज़ भी तो देखेंगे ना। IDL कराएंगे, IDL क्यों कराएंगे? इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, अगर ये थायरो टॉक्सिकोसिस चल रहा है, हाइपरटेंशन चल रहा है, टैकीकार्डिया चल रहा है, आपको DD में निकालना है ना, कि और कोई और डिजीज़ तो साथ नहीं चल रही है इसकी, इस वजह से IDL क्यों कराएंगे? टू सी द वोकल कॉर्ड मूवमेंट, ठीक है, दोनों की मूवमेंट देखेंगे, क्या दोनों मूव कर रही है,
कि अब पूरी कर रही है या एक पैरालाइज है एक कर रही है, तो इसको डॉक्यूमेंट करवा लेंगे, है ना ये। हाँ अगर अभी से ही पैरालाइज है, ये सर्जन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ तो सर्जन खेल रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल आइडियल हमें करा लेना चाहिए ताकि पता चल जाए। बाद में परेशान हो रहे हैं कि एक कॉर्ड मूव नहीं कर रही, तो भाई वो पहले से ही नहीं कर रही थी, तो इसलिए इतना परेशान नहीं हो, कुछ और तरीका करें इसका। अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देख लेंगे इसका। अब ये इस पर इंटरप्रिटेशन होगी आपकी कि ये हाइपरथायरॉयड है कि हाइपोथायरॉयड है। जाहिर है हाइपरथायरॉयड होगा तो क्या बढ़ा हुआ होगा, T3 T4, और TSH कम होगा, और हाइपरथायरॉयड होगा तो क्या होगा, तो हो सकता है आपके सामने एक रीडिंग रख दी जाए वहाँ पेशेंट को हटा के। अब फर्ज कर लो ये लॉन्ग केस का नहीं, वैसे सवाल है, एक रीडिंग रख दी सामने ये क्या है, तो आपको वो इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्योंकि TSH कम है, TSH ज़्यादा है, T3 T4 ज़्यादा है, ये उस वजह से। अब ये इसका लेटरल एक्सरे, लेटरल एक्सरे में देखो, देखो एक तो ये यहाँ से तो हवा बिल्कुल सही आ रही थी, ट्रेकिया यहाँ के कितना प्रेस हो गया है क्योंकि थायराइड ग्लैंड ये है ना, ये कितना प्रेस हो गया, कितना नैरो हो गया है, इसमें ट्यूब यहाँ से एंटर हो जाएगी, ट्यूब यहाँ से एंटर हो जाएगी, हो सकता है 8 नंबर एंटर हो जाए, 7.5 एंटर हो जाए, लेकिन आगे जा नहीं पा रही है, जा नहीं पा रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे, छोटी ट्यूब डालेंगे, छोटी ट्यूब डालेंगे क्योंकि अंदर ट्रॉमा नहीं कर दें। आप एक्सरे देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि भाई मुझे छोटी ट्यूब सामने देना। इसी तरह इसमें देखो कितना डेविएशन है, यहाँ से डेविएशन कितना ज़्यादा है, ठीक है, इसका भी इसी तरह कुछ है। और एक और बड़ा ख़तरनाक सा था, वो कहाँ है, ये तो नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है, ये वाला, ये इसकी डेविएशन देखो, ये रिट्रो एक्सटर्नल चला गया है, इसने जाकर के इसने कैसा किया, इसको बाद में उठाना कितना मसला है इस पेशेंट को, क्योंकि आप ट्रेकियो मलेशिया के लिए कब तक ट्यूब डाल के रखेंगे, ट्यूब जैसे ही निकालेंगे आप, ये सारा इलाका, ये तो लंग में, तो चेस्ट में घुस गया है, आप यहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो यहाँ है। इसमें देखो ये तो बिल्कुल क्लियर है सामने, पूरा ट्रेकिया यहाँ पर डेविएट हुआ हुआ है इस जगह पे, ठीक है, इसका भी देखो सेंटर में नहीं है ट्रेकिया, यहाँ है, और फिर ये इसकी दोनों ब्रोंकस हैं, ये ट्रेकिया है ना, तो इसलिए एक्सरे चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड सॉरी थायराइड स्कैन में आप, ये तो हम तो नहीं करते हैं, ये सर्जन करवाते हैं यूजुअली, लेकिन ये हमें पता चल जाता है कि सॉलिटरी नोड्यूल अगर है तो उसमें क्या फॉलिकल भरा हुआ है पानी से, तो वो तो फिर आसान हो जाएगा, निकल जाएगा, जैसे ही वो प्रेशर कम, वो फिर ज़्यादा तंग भी नहीं करता है, वो निकल आता है। अच्छा, व्हाट आर द मेडिकेशंस ऑफ पेशेंट विद एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन, क्या क्या लेते होंगे हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट जो हैं, बस वो 3-4 चीज़ें जो हैं क्या हैं, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को कम कर दें या कन्वर्ट करना बंद कर दें, यही है ना, वो कम कर दें, कन्वर्जन कम कर दें ना, तो ये अच्छा ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ T3 T4 हो गया, बीटा ब्लॉकर, एंजियोलिसिस, ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। और हाइपोथायरॉइडिज्म में थायरोक्सिन ही एक ही वही दी जाती है, उसी से कंट्रोल हो जाता है। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन ये होता है कि बीटा ब्लॉकर करता क्या क्या है, क्या मेडिकेशन स्ट्रेटजी, इसको ब्लॉकिंग प्रोडक्शन, रिलीज एंड एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन। अब इसमें फिर पूछेंगे ये कि उसका इफेक्ट क्या है, कहाँ पर है, जैसे प्रोपेनॉल का तो ज़रूर पूछते हैं, ज़रूर पूछते हैं कि कहाँ पर इसका इफेक्ट है, पेरिफेरी में करता है और दो काम करता है ना, उससे हार्ट रेट भी कम करके देता है, दो काम करके देता है ये। साइड इफेक्ट्स इसका मेथोमेजोल का क्या है, फीवर, एटिकेरिया, आर्थेल्जिया वगैरह वगैरह। पोटेशियम आयोडाइड देते हैं इसमें, वो क्या करता है, इनहिबिट TSH सिंथेसिस करता है, ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ T4 को T3, ऑनसेट ऑफ एक्शन 24 आवर्स है, डिक्रीज वेस्कुलरिटी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वेस्कुलरिटी भी तो कम करे, वरना वो ब्लीड करके क्या बाद में मसला करेगा, इसलिए पहले ही कम कराते हैं। पेशेंट शुड बी यूथायराइड, देन स्टार्ट आयोडीन, अदरवाइज इट विल स्टार्ट मेकिंग थायराइड हार्मोन, एक्सोजीनस आयोडीन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड फंक्शनिंग थायराइड हार्मोन। बीटा एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, वो अभी हमने ये बताया कि एड्रेनर्जिक इफेक्ट ऑफ थायराइड कम करते हैं, यानी कि हार्ट रेट कम करके रखते हैं, इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन को, और प्रोपेनॉल ड्रग, प्रोपेनॉल ही ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि देते हैं। यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं तो क्या क्या खा रहे होते हैं हाइपरथायराइड पेशेंट, और बीटा ब्लॉकर, ये दो चीज़ ले रहे होते हैं यूजुअली, आयोडीन इतना लेते नहीं है। यहाँ पर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में रेसरपीन है, और छोड़ दो, कब तैयार है पेशेंट कि अब इसकी सर्जरी हो जाए,
हाँ क्लिनिकली का मतलब क्या क्या? हार्ट रेट जो है वो उसका 100 से कम हो या 90 से शायद कम है, 100 से कम, 100 से कम, और रिदम बस रिदम नॉर्मल में आ जाए, और ट्रेमर्स जो है ट्रेमर्स कंट्रोल में हो, उसके नहीं हो रहे हो, और एंग्जाइटी कम हो जाए उसकी, एंग्जाइटी। ये तो क्लिनिकली हो गया, ये क्लिनिकली हो गया, और केमिकली हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो नॉर्मल हार्ट रेट हो, नॉर्मल पल्स प्रेशर, साइनस रिदम हो, जो एरिथमियाज हो रहे थे, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह वो नहीं हो, रीसेंट ऑनसेट कोई मर्मर नहीं हो उसमें, ट्रेमल कंट्रोल हो जाए, एंग्जाइटी कंट्रोल हो जाए, पल्पिटेशन, नो डिस्निया, नो हीट इंटॉलरेंस वगैरह वगैरह। प्री मेडिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो डिपेंड के केस टू केस वेरी करेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा थायराइड है कि जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, तो प्री मेडिकेट ना ही करें। ज़्यादातर प्री मेडिकेट उनको करना पड़ता है जो हाइपर थायराइडिज्म वाले होते हैं, ताकि उनकी एंगजाइटी कम करके रखें। एंगजाइटी कम होगी तो टेकिकार्डिया नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा, टेबल पर आएगा, सुकून से आएगा, सुकून से जाएगा, ज़्यादातर उनका करना होता है, और उनको फिर इतना ह्यूज क्वार्टर नहीं होता कि इनका मसला कर सके। देते क्या हैं? बेंजोडाइजेपिन या सेंट्रल एड्रेनर्जिक क्लोनिन वगैरह, कंटिन्यू ऑल मेडिकेशन, ऑल मेडिकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ले रहा है थायरोक्सिन तो वो चलता रहे, हाँ, वरना खामखा ब्लड लेवल कम होगा, बाद में ये तंग करेंगे। हाउ विल यू इंड्यूस एनेस्थीजिया? इससे पहले ये पेशेंट आ गया, फर्ज को ले दरमियाने दर्जे का गोइटर है, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं है। इंट्यूबेशन ट्रॉली कैसे सेट करेंगे? हाँ हाँ क्या टू वर्किंग लैरिंगोस्कोप, वर्किंग बोलना ज़रूरी है, टू वर्किंग लैरिंगोस्कोप हो डिफरेंट ब्लेड के साइज़ के साथ, ठीक है, बुझी हो, ट्यूब के साइज़ दो तीन रखे हुए हो आपके पास, LMA भी ज़रूर रखा हुआ हो, पर अगर आप फंस गए कुछ हो ही नहीं रहा, आपको पेशेंट को उस वक्त तो चाहिए होगा ना थोड़ी देर के लिए, जब तक बकिया कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेलेट रखा हुआ हो, बुझी रखा हुआ हो, और वीडियो लैरिंगोस्कोप हो, तो ये चीज़ें आप तैयार करके इसके साथ रखें। और उसके अलावा जो वैसे जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो पिलो ज़रूर हो आपके पास, जो असिस्टेंट खड़ा हुआ हो वो थोड़ा सा अकलमंद हो, ट्रेंड हो, वो आपकी सही हेल्प कर सके, बीच में ये नहीं हो कि वो उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत सारे सिरिंजेस रखी हुई हो, नेज़ल एयरवे हो, गुडल्स एयरवे हो, ये सब चीज़ें हों आपके पास सामने रखी हुई। फाइब्रोऑप्टिक इंट्यूबेशन का क्या रोल है इसमें? वो भी अगर मतलब प्री ऑपरेटिव हमने एक्सरेस में देख लिया है, कंप्रेशन है, डेविएशन है, डिफिकल्ट हो सकता है, अब एक फाइब्रोऑप्टिक वही कर लें आप उसको एनेस्थीसिया दे करके, चांस लेके इतना करने की जरूरत ही नहीं, आप अब एक फाइब्रोऑप्टिक पर रखें तो उसमें कर लें। ह्यूज गोइटर के साथ कैसे करेंगे? गैस इंडक्शन देंगे या IV इंडक्शन? गैस इंडक्शन क्यों देते हैं? तो क्या होता है? कम होते हैं, हाँ, तो देखो तुम लोग बोल तकरीबन सही रहे हो, लेकिन ये देख के बोल रहे हो गैस इंडक्शन करना चाहिए, लेकिन गैस इंडक्शन इसलिए हम करते हैं कि जिनका ह्यूज गोइटर है, हमें शक है कि ये अभी थोड़ी देर में जब पेशेंट की रिफ्लेक्सेस कम होने शुरू होंगे और सोना शुरू होगा, तो ये जाकर के पीछे जाके इसको चोक कर देगा और पेशेंट की ब्रीदिंग रुक जाएगी, है ना, एक तो ये होगा। तो अगर हमने IV दिया हुआ हुआ, अगर IV इंडक्शन दिया हुआ हो, तो क्या होगा, उसे एक एपनिया होगा और ये पूरा जाके पीछे करके कोलैप्स कर देगा और पेशेंट को हम उस पर वेंटिलेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसको गैस इंडक्शन करो। गैस इंडक्शन करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि पेशेंट ब्रीद कर रहा है, हमें बैग नज़र आ रहा है, पेशेंट ब्रीथ करता जा रहा है, डीप होता जा रहा है, हमें बैग नज़र आता जा रहा है। अगर किसी वक्त वो इतना जो कि हम चाह रहे हैं इतना डीप हो गया कि बैग की मूवमेंट रुक गई, तो मेरे हाथ में है कि हम इसी वक्त जल्दी से कम कर दें उसको, एनेस्थीसिया कम कर दें। IV एक बार दे चुके होंगे तो आप दे चुके होंगे, अब एक भगदड़ होगी कि पेशेंट को एपनिया हो गया है और वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है और एयरवे मेंटेन नहीं हो रहा है, जल्दी से ट्यूब डालो, और उस वक्त तक आपने शायद अगर सक्सा या एक्यूरॉन नहीं दी हुई, एक्यूरॉन तो देंगे नहीं इसमें, तो वो रिफ्लेक्सेस वापस भी आने शुरू हो जाएंगे। आपने मुंह खोला और ट्यूब डालने की कोशिश करी तो वो कॉर्ड्स भी बंद हो गए, उस वक्त वो एक परेशानी का हो जाएगा।
तो सबसे अच्छा ये है कि ऑक्सीजन खोलें, अगर नाइट्रस ऑक्साइड है तो वो खोल दें पहले, तो थोड़ी देर ऑक्सीजन खोल के, गैस खोल के उसको कहें सांस लो सांस लो, वो लेता रहेंगे लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, शायद ऐसा हो कि वो लेता रहे लेता रहे, बैक की मूवमेंट ख़त्म हो ही ना, तो इसका मतलब ये कि वो एयरवे कोलैप्स नहीं हुआ, वो ले रहा है ब्रीथ कर रहा है कर रहा है ठीक है कर रहा है, और इतना डीप हो गया कि आपको लग रहा है कि हाँ पूरा डीप हो गया, तो आप एक बार लैंगोस्कोपी करके देख लीजिए। अगर आपको कॉर्ड सामने नज़र आ गए कि ट्यूब डल जाएगी, और आपको लग रहा है कि इतनी इतनी क्लियर नज़र आ रहा है, तो आप डाल दें ट्यूब, और अगर आपको लग रहा है नहीं नज़र आ रहा है बस मैं सक्सा दे के मुझसे ट्यूब चली जाएगी, तो आप वापस निकाली लैंगोस्कोप, फिर उसको सक्सा दे के ट्यूब डाल दीजिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट डीप होते 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 बैक की मूवमेंट ख़त्म होते 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 ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि उसने पीछे प्रेस कर दिया और वो जगह पूरी चोक हो रही है ना, तो अब क्या आपके हाथ में, आप क्या करेंगे, ऑक्सीजनेट तो करना है, आप थोड़ा सा बैग दबा के देखेंगे, आपने बैग दबा के देखा तो हाँ वेंटिलेट हो रहा है, अगर वेंटिलेट हो रहा है तो चलो बहुत अच्छी बात है, वो डीप होता जा रहा है लेकिन वेंटिलेट हो रहा है, खुद से नहीं कर पा रहा लेकिन मेरे बैग दबाने से वो वेंटिलेट हो रहा है, इसका मतलब ये कि हम ऑक्सीजनेट कर पा रहे हैं, इसको कर पाएंगे, इसको कर पा भी रहे हैं कर पाएंगे भी, उसमें आप थोड़ा सा और डीप करें, फिर लैरिंगोस्कोपी करके देखें, अगर आपको कॉर्ड नज़र आ गई तो आप ट्यूब डाल दें, अगर आपको लग रहा है नहीं सक्सा के बाद चली जाएगी तो सक्सा के बाद ट्यूब डाल दें, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा था कि जब उसकी ब्रीदिंग रुकी और मेरे बैग करने पे भी वेंटिलेट नहीं हो रहा है, तो फिर उसको उठा दें फ़ौरन, गैस बंद करें, वो दो तीन सांसों में उठ जाएगा, वो जब गैस पूरी बंद हो जाएगी, आपने यहाँ देना शुरू किया, वो जो भी थी वो निकला और वो पेशेंट उठ जाएगा, उसके बाद हम फिर प्लान करेंगे कि अब इसको किस तरह करना है, ठीक है। तो ये है इसके इंडक्शन का तरीका, अगर कर लेना चाहिए, हाँ बिल्कुल, दो वजह है ना, अगर दिख रहे हैं आपको और आपको लग रहा है कि इतना डीप है तो आप बस ट्यूब डाल दें उसको, ख़त्म हो गई कहानी, बगैर सक्सा के चली गई, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये आपने जैसे ही लैरिंगोस्कोपी के पेशेंट जरा से यूँ हिलना शुरू किया, तो आप जैसे ही ट्यूब वहाँ ले जाएंगे वो बंद कर लेगा, अगर लेवल ऑफ डेप्थ एनेस्थीसिया वो नहीं हुआ तो वो ट्यूब बंद कर लेगा फ़ौरन, तो फिर आप कहेंगे हाँ मुझे नज़र आ गया, लैरिंगोस्कोपी क्लियर है, आसान है, मैं कर लूँगी, और ठीक है इसको थोड़ा सा और डीप करते हैं और सक्सा दे दें, फिर ट्यूब डाल दें। क्लास फोर जो है मैलम पट्टी, क्लास फोर जो है वो तो ऐसे नहीं अंडर करेंगे, नहीं क्यों, इसलिए कि जब मुंह नहीं खुल रहा आप लैरिंगोस्कोप कैसे डालेंगे, इस पेशेंट में मुंह खुलने का मसला नहीं था, इसका यहाँ से प्रेस है ना, तो है ना इसमें उसमें मुंह खुलने का मसला था। उठा दो, जाहिर है ऑक्सीजनेशन तो चाहिए ही चाहिए, अगर मसला ये है कि सामने इतना बड़ा थायराइड है आप ट्रैकी भी नहीं कर पाएंगे उसकी, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, ये ऐसे ऐसे आसान वाला नहीं है, इसमें ये कि फिर अवेक फाइबर ऑप्टिक करें आप, उसमें फिर डालें, इमरजेंसी ट्रिकॉस में लिखा तो है लेकिन कोई आसान काम नहीं है इसमें, सामने इतना बड़ा गॉइटर हो। हाउ विल यू मॉनिटर दिस पेशेंट, एक तो ये कि जो मॉनिटर नॉर्मल होती है मॉनिटरिंग वो तो करनी ही है हमें, जिसमें NIBP, IBP, एंटाइडल CO2 करनी है, ये तो पल्स ऑक्सीमेट्री, कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सब में करना चाहिए, इसमें क्यों खास के इंपॉर्टेंट है, अगर थायराइड क्राइसिस की तरफ जा रहा हो तो एंटाइडल CO2 बढ़ेगा और ये बढ़ेगा और वो बढ़ेगा, सेंट्रल वीनस लाइन इसमें डाल लेंगे क्या, मुश्किल होगी, अगर इतना बड़ा थायराइड आप कहाँ से डालेंगे, फिर आप कोई और हाँ दूसरा अप्रोच लें आप, दूसरा सबक्लेवियन से करें आप, ये सेंट्रल वेनस लाइन सिर्फ इसलिए कि अगर वो इतना बड़ा ह्यूज गार्डर है तो ब्लीड खूब करेगा, आगे बाद अच्छी लाइन होनी चाहिए हाथ में, तो फिर अगर आप सबक्लेवियन से डाल सकते हैं तो डाल लें। कौन सी ड्रग्स अवॉइड करनी है, ये सब वाइवा के सवाल है, कौन सी ड्रग अवॉइड करनी है, हैं सारे वो जो कि हार्ट रेट बढ़ा देगी, जैसे एट्रोपिन, एड्रेनालिन, थायपेंटोन, कैटामिन, एट्रोक्यूरियम, हेलोथेन, ये सब हेलोथेन क्यों, एरिथमियाज करा देते हैं ये, हाँ हाइपो अभी हाइपरथायरॉइडिज्म तो आपने करा लिया, हाइपोथायरॉइड पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन इसमें भी हो सकती है, क्यों, एक तो थायराइड बड़ा था शायद, और एडीमा होता है इनको, इनके सॉफ्ट टिश्यू एडीमा होता है, टंग बड़ी होती है इनकी, है ना, सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पर, जब आप ये तीन चार पॉइंट बोलने पड़ते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा आपको, तो
तो इस वजह से यहाँ पर लैंगोस्कोपी ही मुश्किल हो रही होती है। आप डाल रहे होते हैं और ब्लेड पूरा अंदर ही नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, बड़ा ब्लेड छोटा ब्लेड सब सामने रखिए। इस पीछे डोज कैलकुलेशन, इनको क्या ज़्यादा देते हैं कम देते हैं, क्या करके देते हैं, क्यों, तो क्या होता है, हाँ तो मेटाबॉलिज्म स्लो होती है तो बहुत देर तक रहेगा, तो डिलेड रिकवरी हो जाएगी, इसलिए आप कैलकुलेटेड ड्रग दें बिल्कुल, बस स्लीपिंग डोज दें इनको, और इंडक्शन के वक्त भी और इंट्रा ऑपरेटिव भी, ताकि उठाना भी तो है थोड़ी देर में। फ्लूड रिप्लेसमेंट वो कितना करना है इसमें, बस जुडिशियल, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम नहीं। आप देखें एक तो ब्लीड कितना कर रहा है ये भी देखते देखते साथ में दें। विजिलेंट मॉनिटरिंग करनी है, प्रिडिक्ट डिलेड रिकवरी, ठीक है। अच्छा पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, थायराइड का केस करा रहे हैं, जिसमें से तकरीबन सब कॉम्प्लिकेशन देख चुके हैं हम लोग, सब आधी तो तुम लोग ने भी देख ली होगी, शेयर्ड एयरवे वाली सारी कॉम्प्लिकेशन, तो ये बोल के जान नहीं छूटेगी क्या, शेयर्ड एयरवे की क्या कॉम्प्लिकेशन, डिसकनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसकनेक्शन आपने यूँ कर दिया, यहाँ सर्जन खेल रहे हैं, वो डिसकनेक्शन हो गया, टावल डला हुआ है आपको पता ही नहीं चला, तो उसको बचने के लिए क्या करेंगे, पूरा ट्यूब, ट्यूब के साथ कनेक्टर, कनेक्टर के साथ एंगल, एंगल के साथ सर्किट, इन चारों को पूरे को अच्छी तरह टेप लगा देंगे, ठीक है। अब टेप लगा दिया आपने, टेप लगा दिया आपने, इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, सर्जन ने जो है उसको नेक एक्सटेंड कर दी, तो अब क्या होगा, एक्सट्यूबेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो आपने पूरा फिक्स कर दिया, यहाँ मुँह पे यहाँ भी फिक्स कर दिया पूरा, और वो अगर आपने बिल्कुल कॉर्ड पे ज़रा सा रखा हुआ था, कॉर्ड से ज़रा सा अंदर गया, तो हो सकता है एक्सट्यूबेशन हो जाए इसकी, तो वो आपको बहुत ख्याल रखना है कि जब पोजीशनिंग हो रही हो तो आप वहाँ रहे, पोजीशनिंग जब बिल्कुल फाइनल हो जाए तो चेस्ट दोबारा से सुने, ठीक है, ये एहतियात ज़रूरी है, दोबारा से चेस्ट सुने उसका, एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन इसी में होती है, सर्जन तो वो करते करते यहीं पर हाथ रखा यूँ कर दिया, है ना, ये करते हैं ना ये लोग, हाँ तो एक तो ट्यूब आप पूरी ट्रेकिया में हो आपकी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि कॉर्ड के नीचे बस पड़ी हुई है सामने, तो उसमें ये होता है कि आपने जब कफ इन्फ्लेट किया, कफ इन्फ्लेट करते हैं तो वो खुद प्रेशर से थोड़ी सी बाहर आ जाती है, अब जब यूं कर दिया तो वो बाहर निकल आएगी पूरी, तो आपको ये पता हो कि ट्यूब इज़ इन द ट्रेकिया विद कफ, पूरा होल कफ अंदर हो, हाँ तो बस अगर इतना किया हुआ है और फिर सही फिक्स किया हुआ है तो एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन नहीं होगा, और अगर ये हमने बहुत ज़्यादा शौक से पूरा अंदर कर दिया है तो राइट में ना चली जाए, ये भी ख्याल रखना होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो होते हैं सर्जन बीच बीच में कभी यूँ कर दें, यूजुअली जब एक बार सर्जरी शुरू हो जाती है, सर्जरी शुरू हो जाती है तो फिर वो नहीं करते हैं एक बार वो, हाँ तो ये सब उनको फिर पिटाई करनी होगी, अगर ऐसा किया तो उनको पीछे से उनके हाथ उठाएं, तो क्या होगा, एयरवे फायर के चांस होते हैं, मैंने नहीं पढ़ाई। अच्छा एंडोब्रैंकियल इंट्यूबेशन हो सकती है, इन लोगों ने कहीं से पढ़ के आ गई है कि इसमें एयरवे फायर भी हो सकता है। अच्छा डॉक्यूमेंटेड। अच्छा हेमरेज, हेमरेज का क्या करेंगे भाई, हेमरेज, हेमरेज के लिए आप तैयार रहिए, अगर ह्यूज गोइटर है, इतना जितना एक तस्वीर थी ना इसमें से एक कोने वाली तस्वीर थी, इतना बड़ा ह्यूज वैसा मैंने कराया हुआ है, इतनी ब्लीडिंग, उसके लिए दो दो तीन तीन लाइनें आप पहले से पकड़ के रखें और वो लाइन आपकी, आप उसको अप्रोच कर सकें, यानी कि यूँ होगा ना, पेशेंट कर रहे हो यूँ करोगे, एक्सटेंशन आपके पास लगा हुआ हो, यानी कि बीच बीच में घुस के कर रहे हैं तो मुश्किल होती है, दो आपकी अच्छी अच्छी लाइन हो तो आपको वॉल्यूम तो रिप्लेस करना पड़ेगा इसका, बड़ा मुश्किल दुपट्टा है भैया। अच्छा और अगर पहले से ब्लड आप मंगा के रखें, सर्जन वहाँ पर सीनियर हो, उनकी पूरी टीम हो, आपके साथ आपका असिस्टेंट हो जो कि ये सारे सब काम करके दे रहा हो साथ, और ब्लड के साथ FFP और प्लेटलेट भी अगर चाहिए हो तो वो भी चाहिए, अगर ब्लीडिंग हो गई और बड़े वेसल्स, एक तो ज़्यादातर ये होता है कि वेसल्स तो डैमेज नहीं होते, उसको तो वो रिट्रैक्टर से साइड पे कर लेते हैं, खुद उस टिश्यू से ब्लीड कर रहा होता है, अब टिश्यू की कोई ऐसी ब्लड सप्लाई नहीं होती कि आप वहाँ पर उस ब्लड सप्लाई को यूँ करके पकड़ लें, टिश्यू यहाँ से कटता चला जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होती जाती है, तो टिश्यू पकड़ रहे होते हैं तो होती है ब्लीडिंग इसमें, अगर बड़ा गोइटर हो तो। आइट्रोजेनिक इंजरी अगर किसी वेसल्स को हो गई या वेसल्स को, नर्व को या ट्रेकिया को,
ट्रेकिया की इंजरी भी हो चुकी है, हम बता चुके हैं, देख लिया है, नर्व्स की इंजरी तो हो जाती है इनसे, तो वो भी उनका कसूर नहीं होता, वो इतना पुराना गॉइटर होता है, वो पीछे लगा हुआ होता है, वो चिपका हुआ होता है, जब उठा रहे होते हैं तो वो हो जाती है इंजरी, इसीलिए बाद में हमें ज़रूर कॉर्ड्स को देखना होता है। एरिथमियाज हो सकते हैं, एरिथमियाज हो सकते हैं, और कॉर्डियल अल्सरेशन क्यों हो जाती है इसमें, हाँ तो इसके लिए हम क्या एहतियात करेंगे, पूरी आँख को बंद करके यहाँ पर अच्छी तरह टेप लगा देंगे और फिर उसकी गर्दनी होगी, ठीक है, ये एहतियात करनी चाहिए हमें, ज़रूर करनी चाहिए ये, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ से जब ये रिट्रैक्टर यूँ खींचते ना तो एकदम से एक ब्रैडीकार्डी आता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए जब रिट्रैक्टर ऊपर वाले की तरफ यहाँ से जब कर रहे होते हैं, हाँ वेगल स्टिमुलेशन की वजह से, तो उसके लिए तैयार रहिए। अच्छा, व्हाट आर द कंसर्न एट द टाइम ऑफ रिकवरी, अच्छा वेग एक्सट्यूबेशन करेंगे या डीप, क्यों डीप में भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, अगर वोकल अगर इतनी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है कि सर्जन भी परेशान है कि हमने तो रिकरेंट लेंजियल और सबको डैमेज किया होगा, तो कहेगा मुझे कॉर्ड्स दिखाएं या देखें या दिखाएं, तो फिर हमें डीप में करना चाहिए, ठीक है, डीप में करना चाहिए एक्सट्रूबेट, ताकि वो डीप में एक्सट्रूबेट का मतलब ये है कि उसकी ब्रीदिंग वापस आ चुकी हो, वो ब्रीद कर रहा हो, कॉर्ड्स खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, लेकिन ये कि अवेक नहीं है, अभी अवेक नहीं है, तो उसको लैरिंगोस्कोपी करके देख लिया दोनों कॉर्ड मूव कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो बता दें, उनको दिखा दें भाई नहीं कर रहे हैं, और अगर कहें कि नहीं अवेक ही करना है तो उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, डिफ़िकल्ट एयरवे में अवेक बेहतर है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है इतनी मुश्किल से गई है ट्यूब शुरू में, अब अगर दोबारा डालनी पड़ गई तो कैसे डालेंगे, तो आप उसको भाई पूरा उठा के करो ताकि वो खुद ही अगर थोड़ा बहुत सिक्रीशन ये वो है तो वो खांस खूंस के बाहर निकाल दें, हाँ एक्सट्यूबेशन कह रहे हैं ज़्यादा डिफिकल्ट है इंट्यूबेशन से, तो उस वक्त बिल्कुल विजिलेंट रहना है, सीनियर है जूनियर पर छोड़ के नहीं चले जाएँ तो एक्सट्यूबेट कर देना, ऐसा नहीं, एक्सट्यूबेशन के वक्त बिल्कुल आपको अलर्ट रहना है इन पेशेंट्स में, हाँ वो यही कह रहे हैं ये, हाँ वो यही कह रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इंट्यूबेशन के वक्त, तो इंट्यूबेशन नहीं हुई आपने उठा दिया, एक्सट्यूबेशन के वक्त आप नहीं एक्सट्यूबेट कर पा रहे हैं पेशेंट की, या तो स्पैज़म हो गया या ये कि उसकी ब्रीदिंग ही बिल्कुल रुक गई, ट्रेकियोमलेशिया हो गया, आप फंस गए ना उस वक्त, दोपहर का वक्त होता है, सीनियर निकल के उनके सीनियर निकल गए है ना, तो उस वक्त बिल्कुल विजिलेंट रहना है, ये एयरवे कंट्रोल आपको संभाल के इसका रखना है, और हीमोडायनेमिकली स्टेबल ऑपरेशन शिफ्टिंग टू पाकू एचडीयू या आईसीयू करना है इनका। हाउ विल यू एक्सट्रूबेट दिस पेशेंट इफ़ ट्रेकियोमलेशिया इज सस्पेक्टेड, किस में ट्रेकियोमलेशिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लार्ज गॉइटर और क्रॉनिक, जिसका पुराना इन्हीं में वो जो होते हैं ना पिगमेंटेशन, इन्हीं में ज़्यादा होती है, इतने पुराने होते हैं ये पता नहीं क्या क्या इलाज करा रहे होते हैं लेकिन निकलवाएंगे नहीं, निकलवाएंगे उस वक्त जब स्वामी को सांस रुकने लग जाए तो इनमें ट्रेकियोमलेशिया, अब अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे ट्रेकियोमलेशिया, हाँ आप रिंग्स कैसे देखोगे भाई आगे तक, ब्रोंकोस्कोप डाल के भी देखेंगे, देखो एक तो अगर हम ट्रेकियोमलेशिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सट्यूबेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ना एक्सट्यूबेट करें, इसको रहने दें, आईसीयू ले आएँ, इंट्यूबेटेड ले आएँ, इसको कल एक्सट्यूबेट करेंगे, तो आज ट्रेकियोमलेशिया के चांस होगा, कल नहीं चांस होगा क्या, और ट्रेकिया के अराउंड जो थोड़ी सी थोड़ा सा वो शुरू हो जाता है तो वो ट्रेकिया के टेक्सचर को थोड़ा सा होल्ड कर लेता है, ठीक है, इस वजह से, और ट्रेकियोमलेशिया होता क्यों है ये भी पूछा जाता है, रिंग्स जो होती हैं इसकी इरोड हो जाती हैं, अच्छा रिंग जो है ये पूरी रिंग तो है नहीं, हाफ सी है, पीछे से तो कुछ है ही नहीं, आगे ही है, वो भी अगर इरोड हो गई तो जाहिर है पीछे से तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, ये बिल्कुल जाके ऐसे क्लैप्स हो जाएगा, इस वजह से करते हैं इसको तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे दिन एक्सट्यूबेट करेंगे इसको आराम से, उस वक्त भी पेशेंट को बिल्कुल सुकून सोना चाहिए, खांसना खुसना नहीं चाहिए, जहाँ आपने ट्यूब निकाली और थोड़ी सी क्रिएशन थी पेशेंट ने किया और वो सब कोलैप्स, ये बिल्कुल वो दब जाएगा, तो पेशेंट को बिल्कुल बैठा के बता के समझा के कि आराम से सांस लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सक्शन करके फिर हल्के से पहले उसको कफ डिफ्लेट कर दिया ताकि उसको उसके ट्रेके को पता नहीं चले कि कुछ निकलने वाला है या आने जाने वाला है, कुछ कफ डिफ्लेट करके थोड़ी देर तक रहने दिया, वो आराम से सांस लेता रहे, उसके बाद इसको निकालते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि ये निकालने से पहले इसके अंदर एक बूझी डाल देते हैं,
ट्यूब निकालने से पहले एक बारीक बूझी डाल दी इसमें। क्यों, जिसका ह्यूज गाइडर उसका ट्रेक्योमलेशिया हो सकता है, बस यही है, हो सकता है उसको। लेकिन अगर हो गया है तो फिर आप इसको ब्रोंकोस्कोप से देखें उस, लेकिन उस वक्त हमें जान बचाने के लिए ट्यूब डालनी है ना। कुछ लोग ये करते हैं इसके अंदर एक बारीक कैथेटर डाल के फिर ऊपर से निकाल लेते हैं। ये क्यों करते हैं? अगर रेल लोड करना पड़े अगर तो कर दें। तो पेशेंट जब अगर एक कैथेटर पड़ा होगा तो खांसेगा ना, हाँ, तो उससे पहले इसके ऊपर एक ज़ालोकेन जेली वेली लगाई भी होती है ताकि उसको इतना पता नहीं चले, लैरिंग्स को पता नहीं चले कि कुछ अंदर पड़ा हुआ है। और जब सब कुछ ठीक होता है, अच्छा, इसके अंदर ये दो तरह के होते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा कहना चाहिए ल्यूमन भी होता है कि अगर आपको इमरजेंसी में ऑक्सीजन देनी पड़ी तो उस ल्यूमन से आप ऑक्सीजन भी दे सकें इसको। वेंटिलेटिंग बुझी होती है, ये वेंटिलेटिंग बुझी है। कुछ लोग इसमें सक्शन कैथेटर डाल देते हैं कि अगर वेंटिलेटिंग बुझी नहीं, सक्शन कैथेटर डाल दिया और फिर इसको एक्सट्रोबेट किया, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इन पाकू में क्या क्या हो सकती है? ये क्वेश्चन पाकू के हवाले से भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरॉइडेक्टोमी क्या क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, हेमरेज और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और एक और है ना, इसमें नहीं लिखा, और एक और भी तो है, टेम्परेचर बढ़ गया अगर, हो सकता है वहाँ पर भी हो जाए, सो सकता है, ठीक है। पेन होगा, ड्रेन ब्लॉक हो चुकी होगी, अगर ब्लीडिंग हो गई है वो तो क्या करेंगे? पेशेंट को स्टार्टर और आप गैस देखा हो तो दोबारा थायराइड हो गया, फिर क्या करेंगे? स्टेज रिमूव कर देते हैं। सिर्फ स्टेज रिमूव नहीं करते, उसके नीचे एक और लेयर होती है प्लेटेस्मा वाली, वो भी रिमूव करते हैं। मकसद हमारा होता है क्लॉट निकाल दो यहाँ से, और जो प्रेशर यहाँ आ रहा है वो निकाल दें। हाँ, वो ऑब्स्ट्रक्शन को निकालना होता है, मकसद ये होता है, ठीक है। अगर ट्रेक्योमलेशिया हो, आपने देखा वहाँ पर, आपने टेबल पे तो निकाल दी थी ट्यूब, अब आप आ गए हैं और रिपाकू में आपको कॉल आई आधे घंटे बाद के पेशेंट सांस ले रहा है, क्या करेंगे? सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि आप अकेले ज़रूरी नहीं संभाल लें, और उसको ऑक्सीजन रखें, ऑक्सीजनेट करें उसको बोलें सांस लो आराम से, खींच के नहीं, आराम से, जितना वो करके लेगा इतना वो कोलैप्स होता जाएगा। अगर उसे कहें आराम से सांस लो, मैं तो ऐसा हूँ, उसको रीअश्योर करें, ये शुरू कराएँ, कोई बात नहीं, हम आपके पास हैं, कोई नहीं जाएगा, सब खड़े हैं, आपको सांस आ जाएगी। वो बोलेगा सांस नहीं आ रही, इशारा करेगा सांस नहीं आ रही है, क्योंकि ये रुका हुआ होगा ना यहाँ से, तो उसको रीअश्योर कराना है, और उसको आराम से अगर लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपको रीइंट्यूबेशन सोचना पड़ेगा। इसमें रीइंट्यूबेशन के लिए क्या करेंगे कि इसको ज़ाहिर जागते हुए मरीज को नहीं करेंगे, आपको बहुत ही मिनिमल ड्रग दे के कराना होगा, क्योंकि वो हाइपोक्सिक हो रहा है, आपने ज़्यादा ड्रग दे दी तो उस हाइपोक्सिक पेशेंट को, और जितनी देर में कॉल फॉर हेल्प पे कुछ सीनियर आ गए होंगे तो इंट्यूबेशन जैसे अभी भी हो सकता है डिफ़िकल्ट हो इसकी, है ना। और अब तो आप टेबल पे भी नहीं है, पाकू के बेड पर हैं, बेड की इंट्यूबेशन वैसे ही मुश्किल हो जाती है, टेबल की सबसे आसान होती है, तो फिर यहाँ पर आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। थायराइड स्टॉम क्या होता है? बस ख़त्म हो रहा है। क्या होता है थायराइड स्टॉम? मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस है, और इन पेशेंट मेटाबॉलिक थर्मोरेगुलेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है। तो क्या होता है? फीवर हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, हाइपोटेंशन, एरिथमिया, सारे हाइपरथायरॉइडिज्म के एग्रीवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी है, इसको ये नहीं हो सकता कि हाँ हो गया कल देखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जब भी आईसीयू में आप काम कर रहे हो तो इस तरह की मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, थायराइड स्टॉम, ये सब पक्का याद होना चाहिए कि उस वक्त अगर पेशेंट आ गया तो आप जल्दी किताब खोल के पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंट मैनेज करना होता है, ये इमरजेंसी है, आपको एयरवे मैनेज करना है, टेम्परेचर नीचे इसके लाना है, रिदमियाज ठीक करने हैं, इसकी एंगजाइटी हो रही है इतनी और टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है ना, ये सारी परेशानियाँ हैं इसमें। तो ये कुछ चीज़ें आईसीयू में स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ लिया करो, पक्का वो याद हो उसमें। अर्ली रिकग्निशन एंड मैनेजमेंट से मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी कम हो जाती है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं थायराइड स्टॉम के थायराइड सर्जरी के, थायराइड सर्जरी में क्यों हो जाता है? थायरोटॉक्सिक था, यो थायराइड था, सर्जरी हमने शुरू करा दी, थायराइड स्टॉम हो गया, क्यों? मैनिपुलेशन की वजह से। जब वो सर्जन ग्लैंड पकड़ते हैं तो पकड़ के यूं करते हैं तो वो रिलीज़ होकर के निकलता है, सर्कुलेशन में आता है, तो उनसे कहना पड़ता है जब अगर इस तरह का पेशेंट हो तो उनसे कहना पड़ता है जेंटली काम करें, इस पर आराम आराम से।
विड्रॉल ऑफ एंटी थायराइड ड्रग अगर हो गई हो या रेडियो आयोडीन थेरेपी रही हो, बिगर थायराइड मैनिपुलेशन, नॉन थायराइड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन, सेप्सिस, यही सारी चीज़ें, कोई सर्जरी हुई भी हो, प्रेगनेंसी हो, तो इसमें इन सब के चांस बढ़ जाते हैं, ट्रॉमा हो, डीके वगैरह में। मैनेज किस तरह करते हैं इसको, वन थायरॉइडोसोमी सस्पेक्टेड, सेंड लेबॉरेटरी टेस्ट फॉर थायराइड हार्मोन, इसको भेज दें, स्टार्ट मैनेजमेंट इमीडिएटली, रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन हमें करना है ताकि उसके वो जो इफेक्ट आ रहे हैं उसको हम कम कर सकें, इनिबिशन ऑफ पेरिफेरल इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, सपोर्टिव केयर है तो इसके लिए इसको आईसीयू लाना ज़रूरी होता है, अगर ऐसा कोई सस्पेक्ट कर रहे हैं आईसीयू लें, क्योंकि वो मैनेजमेंट आईसीयू में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। देंगे क्या यहाँ, प्रोपेनॉल, एस्मोलॉल, नॉट डिक्रीज पेरिफेरल कन्वर्जन, हार्ट रेट तो कम कर देगा लेकिन पेरिफेरल कन्वर्जन में एस्मोलॉल का रोल नहीं है, इसलिए प्रोपेनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है। प्रोपाइल थायोरेसिल, इसका पूरा डोजेस है वो ये याद कर लेना, 200 या 400। मेथामिजोल, आईवी डेक्सामेथासोन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और लिगोल, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये भी 5-7 बातें भी रटी होनी चाहिए, थायराइड स्ट्रॉम पे भी क्वेश्चन होता है, यानी थायराइड पे तो किसी ना किसी एंगल से पूछ ही लेते हैं, किसी ना किसी एंगल से, कभी ब्लीडिंग से पूछ लेंगे, डिफिकल्ट एयरवे से पूछ लेंगे, रिकरेंट लेवरिंग से पूछ लेंगे, इसकी एनाटॉमी से पूछ लेंगे, किसी ना किसी एंगल से पूछेंगे। थैंक यू, कोई क्वेश्चन? हाँ हो सकता है, पाकू में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पेशेंट ने अब जोर जोर से सांस लेनी शुरू कर दी, है ना, या ये कि थोड़ा सा ब्लीड हो गया, उसने पीछे दबाना शुरू किया, है ना, हो सकता है। और ये ओवर टाइम सही होगा तो रिंग तो दोबारा नहीं बनेगी, लेकिन वो एक सिलेंडर सा स्ट्रक्चर बन जाएगा ट्रेकिया का, हाँ प्रोसेस ऑन शुरू हो जाएगा, जाहिर रिंग तो दोबारा नहीं बनेगी पूरी, लेकिन वो एक सिलेंडर सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे वो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता रहेगा। फ्री का ऑर्डर करते हैं हम लोग, ठीक है, चलो थैंक यू, चाय आ गई।